अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नॉवल का सेकंड लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सनोरा उसे व्हील चेयर पर बिठाए हुए कमरे में लेकर आई थी। उसकी अजीब हालत हो रही थी। सनोरा उसकी गैर होती हुई हालत से घबरा रही थी। सलाह ठीक है यहाँ पर? जबकि वो कांप रहा था सर्दी। वो लजरती आवाज़ में बोला था, मैं? वो जल्दी से कबर्ड की तरफ भागी थी। जल्दी से खोल कर कंफर्टर लेकर वो बंद करके मुड़ी ही थी जब उसके हाथ से कंफर्टर नीचे गिर गया था। आंखें पूरी तरह से हैरत से खुली थी। ये कैसा लम्हा था कि वह कंग सी रह गई थी। सलार? जबकि सलार छोटे मजबूत कदम उठाता उसकी तरफ आ रहा था। आप चल सकते हैं? वो अभी हैरानी से देख रही थी जबकि सलार ने उसकी पूछ पर हाथ तरह उसे अपने करीब किया था। हाँ चल सकता हूँ, वह मुस्कुरा रहा था। तो चल कर क्यों नहीं आए उधर? वो शाक की नजर उसको देखते हुए पूछी थी। फिर तेरा ये अंदाज देखने को कैसे मिलता? सलार उसकी बालियां छूता हुआ कह रहा था जबकि सनोरा अचानक से रोना शुरू हो गई थी। सनोरा क्यों रो रही हो अब तो? सलार उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरकर बोल रहा था जबकि उसके सीने से लगी हुई रोने का शुक्र फरमा रहे थे। सनोरा ना रो, देख मैं ठीक हूं अब, वो उसे खुद से अलग करते हुए कह रहा था जब उसके गिर्द अपने बाजू बांधे रो रहे थे। सलार ने भी नरमी से उसे बाहों में समेट लिया था। मोहब्बत के मौके पर भी तू रोती है? प्यार करने को दिल करे तब भी तू रोती है? सलार उसके बाद सहलाते हुए कह रहा था जबकि सनोरा रोते रोते हंस पड़े थे। मेरी जान निकलने को थी, ऐसे कौन करता है? सलार उसकी भीगी हुई आंखों में देख रहा था। अभी मुकम्मल जान निकाली कहाँ है? कहकर सलार ने उसे पीछे से कब्र से लगाया था। सनोरा हैरान नजर उसको देती फरार का रास्ता तलाश करने लगे थे। जिधर जाएगी तू, तेरे पीछे वहीं पर आ जाऊंगा। सो भागने का सोचना भी मत। सलार उसका इरादा बाम का बोला था। नहीं तो मैं तो सुनहरा गड़बड़ा गई थी। सलार उसके होंठों पर अपनी उंगली डाल दी थी। ज्यादा बोल या, अब मेरी बारी है। सलार मैं रुक सलार मैं सुनहरा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी बौखलाहट में जबकि सलार उसके लबों पर अपने लब रखे था। वो सुनहरा की बोलती बंद हुई थी। इन लम्हों के लिए वो दोनों ही कितने मुंतजर से थे। जब वो दोनों मुकम्मल हुए, जब कोई रुकावट ना हो और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में हो और वही लम्हा था आज सलार और सनोरा की मोहब्बत पर लम्हे। सनोरा पुरसकून थी। बरसों से जो दुख अजियत और उदासी उसके वजूद का हिस्सा बनी हुई थी, आज वो सारी उदासी खत्म हो गई। सलार की गुर्बत में वो महक रही थी, वो निखर रही थी और सलार फिर से सनोरा की मोहब्बत में पागल सा हो रहा था। हराम होर, मेरे इलाके का होकर तेरी इतनी जुर्रत के तू मेरे अड्डे पर जाकर छापे मारे? मीर सावल देसाई घुराया था। इस पुलिस अफीसर जाकर हुसैन को मार मार कर वो लहू लहान काट चुका था और अब उसके सीने पर अपने बारी फूट रख के वो घुरा रहा था। माफ कर देसाई, अब नहीं होगा ऐसा, वो गिड़गिड़ाया था जबकि सावल ने अपने बारी फूट उसके गले पर आकर दबाव डाला था। अगली बारी के लिए अगर तू जिंदा बचेगा तभी कुछ कर पाएगा। जलील, वो चिल्लाया था, साई माफ कर दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी हाथ माफ कर दे। उसके पांव पर डाक गिर गिरा रहा था जबकि मीर सावर देसाई हंसने लगा था। ना ऑफिसर ना, चल तुझ पर रहम खा लेता, तेरी बीवी बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। अब तेरी बीवी इधर मेरी हवेली आकर मुझे खुश करेगी और फिर मैं तेरी बीवी बच्चों को खुश कर दूंगा। जाकर हुसैन की आंखों में आंसू आ गए थे। साई मेरी बीवी बच्चों को कुछ ना करे, मुझे मार दे। साई रहम करे उन पर, वो उसके पांव पर झुका था, अपना माथा टेक के रो रहा था। बोल तेरा मालिक कौन है? सावल की भारी आवाज उभरी थी। साईं आप किसके आगे सजदे करेगा तू? वो फिर गर्दन अकड़ाकर गिर गया था जबकि साईं जाकर उसके पांव पर सर रखकर सजदा करने लगा। नौज बिल्ला, साईं आपके आगे साईं, वो रोते हुए कह रहा था और उसी लम्हे सावल ने हंजर निकाल कर उसकी पीठ पर गोंद झोड़ रहा था। दिल हरास चीख निकली थी उसकी। वो आंसू बड़ी भी आंखों से सावल को देखता हुआ तड़प रहा था जबकि उसके मुंह के बाल गिरा कर अपना भारी बूट वाला पांव उसके हंजे पर आकर दबाव डाला था। जाकर हुसैन की दर्दनाक चीहें उभरी थी और फिर यूं ही वो दर्द बर्दाश्त करते करते उसकी सांसों की डोरी टूटी थी। सावल ने अपने पांव हटाए थे, फेंक काल से गई और उसकी बीवी बच्चों को हवेली लेकर आ। जो हुक्म साईं, दादा हुसैन ने हुक्म की तामील करते हुए अपने बंदों को इशारा किया और उस लाश को लिए बाहर निकले थे। सूली पर चढ़ा कर पूरे गाँव वालों के सामने उसे इबरतनाक बना दो ताकि फिर कोई मुझसे दुश्मनी मोल लेने की कोशिश ना करे, वो घुराया था। जो हुक्म साईं, कहकर नादर खान बाहर निकल चुका था जबकि सावल अपना गुस्सा कम करने की कोशिश में कमरे में इधर उधर टहलने लगा था। भानी किचन में बर्तन धो रही थी। सारंग हादी के साथ ही लाउंज में बैठा गेम खेल रहा था। आज संडे था तो सब घर पर थे। मार भी इन दोनों के लिए जूस लेकर आई थी। बंद करो ये गेम दोनों बा बेटा,
जूस पी लो, चलो हरी अप, 1 मिनट मम्मी, हादी ने हंसते हुए कहा था। यस बेबीज 1 मिनट, सारंग भी उसे आंख मारकर बोला था। मारवी को दोनों पर हंसी आती। जब बैल की बाप वो दोनों दरवाजे की तरफ मतवज्जो हुए थे। मैं देती हूँ कौन है, तुम दोनों जूस फिनिश करो, वह कहकर आगे बैठी। ओके मैम, ओके वीफी, वो दोनों ने एक साथ ही कहा था। मारवी उनके बाप पर मुस्कुराती हुई दरवाजा खोलने के थे, लेकिन सामने खड़े शख्स को देखकर उसके होंठ सिकुड़ गए थे, जबकि वो मुस्कुरा रहा था। मारवी मेरी दी, उसने बड़ाई हुई आवाज में कहा था। बा, मारवी के लबों से ये लफ्ज अदा हुआ था। उसकी भीगी हुई आंखें साकर थी। उसका बात ठीक होकर यहाँ पर उससे माफी मांगने आया था। बारिश और हादी अपने कमरे में वीडियो गेम खेल रहे थे। बानी भी उनके पास ही थी कमरे में, जबकि लॉन्च में हूर बानो अपने सामने बैठे सारांग को जिंदा सलामत देखकर रो रहे थे। सुनोरा पुरसोच नजर सलार को देख रहे थे, जो नीचे बैठा सर झुकाए हुए माफी का तलबगार था अपनी बहन से। वो बहन जो उसे बाग कहते ना था दीदी, वो बहन जिसे उसने बेहद मोहब्बत से पाला था, और वही बहन जिसे वो जिंदा दरगोर करना चाहता था। वो सोफे की पुष्प पर खड़ी सामने दीवार पर लगी पेंटिंग को देख रही थी। वो किसी को नहीं देख रही थी, ना उसमें इतनी हिम्मत थी कि किसी की आंखों में तहरीर देख दुख को पढ़ सके। मारवी, माफी मांगते हुए मेरी जुबान लड़खड़ा रही है, मेरा वजूद जैसे शर्मिंदगी की लपेट में रह रहकर बोसीदा हो चुका है। मैं अपने हाथों से तुझे दफनाने चला था, साहबे कुल बना हुआ था, लेकिन मैं सजा पा चुका हूँ, अपने रब की सजा। अब अपनी बहन से सजा सुनने आया हूँ, वो रो रहा था। आवाज बढ़ाई हुई थी, लेकिन वो देख नहीं रही थी, वो बस सुन रही थी। सारंग सारंग देख, सलाज की तरफ मुड़ा था, उसके कदमों में बैग को उसके पाँव पकड़ने चाहे थे, जब सारंग अचानक से खड़ा हुआ था और साथ ही उसे भी उठा दिया था। ये आप क्या कर रही हैं, अब मेरे बड़े हैं सलार भाई। सारंग ने उसके जुड़े हुए हाथ नीचे किए थे, उसे गले से लगाया था। ऐसा मत कीजिए, शर्मिंदा कर रही हैं आप मुझे, सलार ने की नखे उसे मारवी को देखा था और सारंग भी उसे देख रहा था, और वो इन दोनों को ही लबीजे देखे थे। क्यों आए हैं आप यहाँ, उसके सर्द आवाज लाउंज में गूंजे थे। चले जाए, कहकर वो कमरे में जाने लगी, जब सलार ने उसे रोक दिया। मारवी मेरी गुड़िया है तू, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मारवी ने मुड़ कर उसको देखा था, जो सरापाई शर्मिंदगी बना उसको देख रहा था। इसी गुड़िया को अब तब दफनाने लेकर जा रहे थे, जब इसी गुड़िया की सांसें चल रही थी। पूरे इलाकों के लोगों के सामने मुझे अपनी इस हरकत से आपने बढ़ना कर दिया, मेरी इज्जत को पामाल कर रहे थे आप उन सबके सामने, तब रहम नहीं किया आपने। मैं खामोश थी, बिल्कुल खामोश, कोई अपनी बहन के साथ ऐसा करता है, दुश्मन के साथ मिलकर हमला करवाया हमारी शादी वादी, खून की होली खेली गई, मेरे अपने मारे गए, मेरी जिंदगी। उसकी आवाज़ बढ़ाई हुई थी, तभी कुछ देर के लिए रुके थे। गहरा सांस लेकर उसे सलार की तरह देखा था। मैं कल भी खुश थी, आज भी खुश रहूंगी, कल भी आपसे रहम की भीख नहीं मांगी थी, आज भी आप पर रहम नहीं करूंगी, मुझसे कोई भी किसी किस्म की उम्मीद मत रखी है, कहकर वो अपने कमरे में चली गई थी और दरवाजा भी बंद कर दिया था। और वहीं दरवाजे से टेक लगाए बैठी वो अपना सब खो रहे थे, आंसू मतवातर बह रहे थे। उसकी जिंदगी का वो स्याह बाब फिर से खुलते गए थे, उसके जाम फिर से उधेड़ने लगे थे। वो वहीं पर बैठी आंसू बहाती रही, दिल में सलार के लिए कोई रहम नहीं था, नफरत भी नहीं थी, बेतासर था साबर। सलार ने साहब की तरफ देखा, आंसू बड़ी आंखों से, और फिर वहां से निकलता चला गया। सारंग का कोई कसूर ना होते हुए भी शर्मिंदा सा वहां पर खड़ा था, जबकि हूर बानो और सनोरा नजरें चुराने लगी। मैं सलार को देख लो, सनोरा जल्दी से वहां से उठकर बाहर निकल गया थे, जबकि हूर बानो भी अपनी जगह से खड़ी हो चुकी थी। बारिश को देखती हूँ मैं, जी जी बिल्कुल, सारंग कहकर सर पर हो गया था। नजरें अभी तक इस बंद दरवाजे पर थी जहाँ अभी भी मारवी गई थी। मी सावल देसाई जैसे कुर्सी खींच के बैठा डाइनिंग टेबल पर, उसकी नजर किचन से निकलती हुई माला पर पड़ी, जो दूसरी मुलाजमत के साथ ही खाना सजा रही थी टेबल पर। साफ सुथरे कपड़ों में दुल्हे दुलाए चेहरे के साथ संजीदगी के साथ वो अपना काम अंजाम दे रही थी। सावल ने नजर पाक उसको देखा था और फिर तेवरी चुरा कर बोला, किसकी इजाजत से कमरे से निकली है तू? माला ने उसकी तरफ देखा भी नहीं था, बल्कि उसे और उसकी बात को नजरअंदाज किए वो फिर से किचन में गई थी। सावल का दिमाग सुलग उठा था माला की इस हरकत पर। मेरी इजाजत से, जोरा दसाई ने स्पॉट लहजे में कहा था। उसने एक नजर अपनी माँ पर डाली, क्यों तेरी इतनी भी औकात अब नहीं बढ़ी कि अपनी माँ से सवाल जवाब करे दो, जोरा दसाई ने सर्द आवाज में कहा था। सावल ने सर झटका था जब वो फिर से वहां पर आए, वो टेबल पर चावलों की डिश रखने लगी। सावल ने लाभ पीछे उसको देखा था, कमरे से क्यों निकाला उसे अम्मा साई? उसकी नजरों ने किचन तक माला का पीछा किया था। तेरे जुल्म सहती वो नी पागल बन रहे थे, और वैसे भी तू जब उसे इस हवेली में ले ही आया है तो उसे इंसान समझ कर यहाँ पर रहने और चलने फिरने भी दे। जोरा दसाई का लहजा कौरदार था, मारवा भी वहां पर आकर बैठ गई थी। सावल की नजरें अब उस पर थी,
बड़े पार निकल आए हैं तेरे भी अब। मारवा ने घबरा कर पहले उसे और फिर जोरा दसाई को देखा। उसे क्यों बातें सुना रहा है अब, उसने क्या किया है? जोरा दसाई ने गुरु का सावल को देखा था। अम्मा साई तू तू चुप कर, जब से आई है तेरी चीख चीख तब से हो रही है, बख्श दे मुझे, चुप कर जा। सावल ने बद लिहाजी से कहा था। और सावल अल्लाह से डर, खौफे खुदा है तुझमें कि नहीं? आज जो कुछ तू कर रहा है ना, याद रख अल्लाह की लाठी जब पड़ेगी ना तब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। जोरा दसाई ने भी बिना लिहाज के सुना दिया था। सावन ने हाथ मारकर सारे पर्दे नीचे गिरा दिया था। मरवा चीख कर पीछे हुए थे जबकि जोरा दसाई खौफजदा नजर से अपने बेटे को इस रूप को देख रहे थे। बस अब एक लफ्ज नहीं वरना उठाकर बाहर फेंक दूंगा तुझे भी, वो दहरा था तकरीबन और फिर हर चीज को ठोकर मारता वहां से जाने लगा। जब उसकी नजर माला पर पड़ी और उसकी तरफ ही बढ़ा था। चल तू भी, उसके गला जकड़ कर उसने खींची थी। छोड़ मुझे, माला चलाई थी। मदर तरफ नजर से जोरा दसाई को देखा था। वो अपनी जगह से खड़ी होकर उसकी तरफ आई थी। सावल छोड़ उसे, जबकि सावल उसे खेंगता हुआ ऊपर लेकर जा रहा था। छोड़ उसे सावल, जोहरा उसके सामने आकर उसको रोकने की कोशिश करने लगी लेकिन सावल ने हाथ से परे किया था उसे। एक चल बुढ़ी औरत कहकर माला को लेकर अपने कमरे में बंद हो गया था। जबकि जोहरा दसाई वहीं सीढ़ी पर दिल थमे बैठ गए थे। मारवा बाती भी उनके पास आई थी। अम्मा साई अब ठीक है? जोरा दसाई अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती सर असबाब में हिलने लगे। जब माला की चीख पर दोनों ने दहलकर ऊपर की तरफ देखा था, मारवा के लिए ये आती बात थी क्योंकि ऐसा रोज वहां पर होता है। जबकि जोरा ने खौफजदा नजर से मारवा को देखा था और मारवा नजर झुका गए थे। जब जोरा उठने की कोशिश करती ऊपर जाने लगे थे जब मारवा ने उन्हें रोका था। यहाँ ऐसा होता रहता है अम्मा साई, रोज यहाँ किसी न किसी की चीहें इस हवेली की दोनों दीवार सुनती रहती हैं, आपके ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं, मारवा ने भीगी हुई आंखों से कहा था। जबकि फिर से अपने दिल पर हाथ रख के वहीं पर बैठ गए थे। या अल्लाह ये क्या हो रहा है, या अल्लाह रहम फरमा हम पर, उनकी आवाज में लजरिश थी। जबकि मारवा वहीं उनके पास ही सीढ़ियों पर बैठी अपने लब काटने लगे। वो तीनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। सलाबी खामोशी से कमरे में बंद हो चुका था। मारवी ने जिस तरह से उसे धुतकारा था, जिस तरह से उसे माफी के काबिल भी नहीं समझा था, उसके कांधे जैसे झुक से गए थे, वजूद बेजान सा हो गया था। सुनोरा उसके पास आकर बैठकर उसको देखे थे। सलार उसके कंधे पर हाथ लाकर उसे नरमी से उसका नाम लिया था। सलार उसको देखने लगा, आंखों में बेबसी थी। मैं बहुत ही गुनाहगार हूँ सुनोरा, देखो ना मुझे मारवी ने भी माफी के काबिल ना समझा। मैं समझा था माफ कर देगी लेकिन मैं अहली हाथ वापस लौट आया, कहते उसकी आंखों से आंसू फिसले थे। मानवी को वक्त चाहिए होगा सलार, आप मत रोइए प्लीज, एक दिन वह जरूर आपको माफ कर देगी, सोनोरा उसे नरम लिफाफ में समझा रही थी। जबकि सलार के चेहरे पर सहमी मुस्कुराहट फैली थी। जानता हूँ सोनोरा, मानवी मुझे कभी माफ नहीं करेगी, गुनाह ही बहुत है मेरे। अभी बैंक अपने हाथों दफनाने चला था, वो भी पूरे इलाके के सामने। उसे बेइज्जत करके खुद को ना जाने क्या समझ बैठा था मैं, उसकी हर बर्बादी की वजह मैं हूं बस, वो टूटे लहजे में कह रहा था। और सोनोरा उसे बाहों में बांध लिया। मारवी माफ कर देगी आपको, खुद को सरजिश मत कीजिए सलार, आपको देख देख कर अम्मा साहब भी परेशान हो रही हैं और बारिश को भी, अब आपकी जरूरत है, बेटा है आपका, कब से वो परेशान सा सबको देख रहा था कि यूं एकदम से क्यों उठकर हम आ गए यहाँ, अल्लाह आप पर छोड़ दे सब्र, सॉरी आप अल्लाह पर छोड़ दे सब्र, अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। सुनोरा के समझाने का असर था शायद कि सलार ने अपने आंसू से तर चेहरा साफ किया और सारे सबाब में हिलाया उसे देखने लगा। कर देगी ना माफ, उसकी आंखों में आस थी और सलार ने और सुनोरा ने मुस्कुरा कर सारे सबाब में हिलाया था। बिल्कुल कर देगी माफ, माँ भी आपसे बेहद प्यार करती है सलार, बस अभी गुस्सा है, गुस्सा उतर जाएगा तो खुद आएगी आपके पास इनशाला। सुनोरा ने उसे आज तक बेहद संभाला था और अभी भी संभाल रही थी, तभी वो मुस्कुराया था। तो बहुत अच्छी हो सुनोरा, उसके हाथ थाम कर सलार ने अपने लबूस लगाए थे तो सुनोरा भी मुस्कुरा पड़ी। वो कब से कमरे में बांधती, हादी ने कई बार बार मम्मी के पास जाना है क्या का दरवाजा ना किया था, पानी कई बार खाने का पूछने आती, सारंग ने कई बार उसे बुलाया लेकिन वो कान बांध के बैठी रही। रात के 10 बज रहे थे शायद, हादी पानी के साथ ही कमरे में सो चुका था, सारंग भी वहीं पर लॉन्च में सोफे पर सोने की कोशिश कर रहा था। जब मारवी ने दरवाजा खोलकर कमरे से बाहरी कदम रखा, हर तरफ खामोशी थी। वो चलती हुई किचन तक आई, प्यास लग रही थी, पानी पीकर अभी वो पलटी ही थी जब सारंग को अपने सामने खड़ा पाया। उसने अपने लब बीच लिए, सामने से हटो। ना हटूं तो, सारंग ने नजर पाकर उसको देखा था। मारवी उसके साइड से होकर गुजरने लगे थे जब सारंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्यों काटी हो तुम ये सब, सारंग उसकी आंखों में झांकता हुआ पूछ रहा था जबकि मारवी ने एक कुसली नगाह उस पर डाल दी।
पर अपना हाथ चबाने लगे। देव के सारंग की गिरफ्त मजीद मजबूत हुई थी। गुस्से से उसे अपनी तरफ खींचा था। मारवी, क्यों कर रही हो ऐसा मेरे साथ, हादी के साथ? जानती है वो रोता हुआ सोया है, जबकि मारवी ने नजरें फैली थी। सारंग प्लीज, मेरा मूड ठीक नहीं है और इन सब के साथ भी तुमने ठीक नहीं किया। मारवी, सारंग ने नरमी से कहा था, जबकि मारवी ने झटके से अपना हाथ छुड़ाकर उसको दिखा दिया था। तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मैंने क्या सही किया और क्या गलत? हु द हेल यू आर, वो गुस्से से चिल्लाए थे, जबकि सारंग हैरान से उसको देख रहा था। क्या हो गया है तुम्हें मारवी? वो अभी नर्म लहज में बात कर रहा था, जबकि मारवी बिफरी थे। पागल हो गई हूँ मैं, पागल, दिमाग खराब हो गया मेरा। जिसका जो दिल करता है मेरे साथ करता है, पूछता भी नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ। बर्बाद करके रख दिया तुम सबने मेरी जिंदगी, वो कोई पागल ही लगे थे। अब ये सब क्यों कर रही हो तुम मारवी? हादी सो रहा है, डर जाएगा। उसे रिलैक्स करने के लिए हतल मकान अपना लहजा नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें हादी की फिक्र है? मेरी कोई फिक्र नहीं है, तुम्हें सबकी फिक्र है, बाप की फिक्र है और मेरी नहीं। वो फिर से चिल्लाई थी, मारवी स्टॉप इट नाउ, क्या फजूल बहस लगा रखी है तुम? सारंग को भी गुस्सा आ गया था उसकी बेजा जिद से। मैं फजूल हूँ? गेट आउट सारंग, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुम्हारी भी नहीं। 4 साल तुम्हारे बगैर गुजार दिए हैं, उसके बाद तुम्हारे बगैर रह लूंगी। सारंग का गुस्सा बहर में बदला था। मारवी, क्या मारवी? हाँ क्या मारवी? मारवी, वो चिल्लाई थी, बाहर में गई मारवी। मारवी को जब दिल करता है अपना बिस्तर गर्म करने के लिए ले जाती हो, अपनी हवस पूरी करती हो, तो फिर आके कहते हो सॉरी, फिर दूसरा दूसरा आकर मुझे थप्पड़ मारता है और फिर कहता है सॉरी मारवी। वो रोते हुए कहती, गुस्सा भी झलक रहा था उसके रोने में। और फिर तीसरा आकर कहता है मारवी को जिंदा गाना है मैंने। और फिर वो रोते रोते अचानक हंसने लगे थे। फिर कहता है अब तो तुम जिंदा बच गई हो ना, चलो माफ भी कर दो। मारवी, कोई गेम है, एक टॉय है, आओ आओ खेलो सब। मारवी का क्या माफ कर देगी बेवकूफ मारवी, वो गुस्से से दांत पीसते हुए कहती है। यू आर डिस्कस्टिंग मारवी, सारे ने तासे से सारे हिलाया था। इतना सब भरा हुआ तुम्हारे अंदर, इतनी नफरत करती है मुझसे, मैं आई मीन, वो इधर उधर देखते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। अपने और मेरे रिलेशन को तुम ये नाम दे रही हो? तुम्हारे माइंड में ये सब मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए इतनी गंदी है? मारवी गुस्से से उसे देखे थे। तुम चले जाओ यहाँ से सारंग, गेट आउट फ्रॉम हियर, वो बिना सोचे समझे चलाई थी। तुम मोहब्बत के नाम पर सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हो, तुम भी इंसाफ जैसे हो, बू फैली हुई है तुम्हारी मेरे वजूद में। वो अपने कपड़े नोचने लगी। सारंग ने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ दीवार पर रखकर उसे दीवार से पिन कर दिया था। मारवी होश करो, क्या कर रही हो तुम? जबकि मारवी ने उसे दिखा देखा उसे दूर करना चाहा था। जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए मुझे तुम, जाओ यहाँ से, उसको दिखा देते हुए दरवाजे तक लेकर जाने लगी मारवी। जबकि मारवी ने दरवाजा खोलकर उसे बाहर दिखा दिया था, गेट लॉस्ट। सारंग कुछ देर उसको देखता रहा। फाइन, सारंग ने सासबाब में लिया था, जैसे अपना गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा। मोहब्बत और हवस का फर्क जब मालूम पड़ जाए तो आंखें खोलकर एक नजर होते रवैये पर जरूर डालना। यह कहकर वो वहां से लंबे डग पड़ता चला गया था, जबकि मारवी दरवाजा बंद करके वहीं पर बैठ कर रोने लगे। उसे खुद अंदाजा नहीं था कि उसे अचानक से क्या हो गया था और वो क्या कुछ कर चुकी है अपने और सारंग के साथ। अरे डीएसपी साहब, आप भी कमाल करते हैं कसम से, ये भी कोई बात हुई भला? मीर सावल देसाई, डीएसपी सावल सहेल तनवीर, जो अपने पुलिस एहलकार का पूछने आया था उसे बातों में लगा रखा था। मतलब कुछ भी बोल लेते हैं ये लोग भी। आपका पुलिस एहलकार हमारा भी कुछ लगता है कि नहीं? अब हम अपनों की जान तो लेने से रहे, सावल चेप मुस्कुरा से जावे कह रहा था, जबकि सुहेल तनवीर मशकूक नजर से उसको देख रहा था। सावल साहब, पूरी छानबीन की है तो यहाँ आया हूँ। सूली पर लटका दिया रातों रात किसी ने उसका कत्ल कर, और आपको अपने इलाके की खबर ही नहीं कुछ कि कौन क्या करता फिर रहा है? मैं भी वहीं पर छानबीन कर रहा, अच्छी खबर का इंतजार है हमें तो। नादर हान, सादे सावल ने अपने खास आदमी को आवाज दी थी, पूरे इलाके में तफ्तीशें शुरू कर दो। हमारी डीएसपी साहब को कोई भी परेशानी हो तो उनके साथ तामर करना, कातिल का पता जल्द से जल्द लगना चाहिए। वो सुहेल तनवीर को मुस्कुराते हुए देखता हुआ कह रहा था, जो हुक्म साए, नादर हाँ ने एहतरामन झुकते हुए कहा था। अरे डीएसपी साहब, लेना चाहे ये कबाब ले, आपने तो कुछ लिया भी नहीं है, सावल की तवाजा करने लगा, जबकि वो अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। नहीं, मुझे अभी जाना है, अल्लाह हाफिज, सावल भी मुस्कुराते हुआ खड़ा हो गया था। रब रखा डीएसपी साहब, भतीसी बाहर थी उसकी, लेकिन जैसे ही वो गया तो सावल के चेहरे के तासात में क्रहत की आगे थे। जाओ पता करो, गड़ गड़ छाण मारो, कौन इतलात देता फिरता है पुलिस को, कौन मोहब्बर बन गया इस डीएसपी का, वो घुराया था जो हुक्म साई।
नादरहान कहकर पुरसोच ने उसे सांवर को देखने लगा। जबकि सांवर देसाई की तरिंदगी उसके चेहरे पर उभरी थी। बड़ी छूट दे रखी है इन कुत्तों को, अब वो करूंगा क्या सोच भी नहीं सकता कोई। भूखे मरने के सब भूखे, उसके लिफाफे में भी दरिंदगी थी। साईं आप कहें तो सफर खाना पीना सब बंद करवा दूं, नादरहान ने अपने ये मशवरा दिया था। पगला के है क्या तू नादरहान, इस तरह तो डीएसपी की नजर में हम आ जाएंगे, कुछ और करना पड़ेगा। कुछ सोते हुए वो सोफे पर बैठ गया था। बहुत अरसा हो गया हवेली में जश्न ही हुआ, यूं करना नादरहान। वो नादरहान की तरह मतवजा हुआ और आपकी आंखों में हाथ चमकते हुक्म साईं। नादरहान के दिल में भी लड्डू फूट लगे थे कि इसी बहाने उसे भी किसी लड़के के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाता। हमारी अमरु जान अदा को तब दुआज अपने रक्त से अपनी अदाओं से हमारे हमें लुभाने आजे वो आजा। मर्दान हाने को दुल्हन की तरह सजा दो, मशरूब और खाने पीने का इंतजाम करो। आज हम मौज मस्ती करेंगे अपनी अमरु जान अदा से। चेहरे की कहत की मुस्कुराहट में बदल गया थी। जो हुक्म साई, नादरहान ने अपने हाथ बांध कर कहा था। सांवरे से जाने का इशारा किया था। चेहरे पर मुकरू मुस्कुराहट थी, शैतानी आंखें मुस्कुरा रहे थे। पापा कहाँ चले गए, हादी सुबह का वह उठा हुआ बार बार सारंग का पूछ रहा था, लेकिन आगे से उसे कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। बानी भी की नकियों से मारवी को देखे थी, जो लब बीच अपने काम में मसरूफ था। मम्मी पापा कहाँ है, जवाब दे, हादी ने उसका हाथ हिलाया था। हादी गो एंड डू योर ब्रेकफास्ट, मारवी ने झटके से अपना हाथ चबा कर उसे डांटा था। जबकि हादी जिसे कभी मारवी ने कुछ कहा ही नहीं था, वो आज पहली बार उसको डांट रहे थे। वेयर इज माई पापा, क्या फिर से स्टार बन गए, वो भी मारवी का ही बेटा था, उसी के जैसा जिद्दी। मारवी ने घूर को उसको देखा था। नहीं है तुम्हारा पापा, गो, वो चिल्लाए थे, जबकि हादी उसके चिल्लाने से सहम सा गया था। बानी जो कब से ये सब देख रही थी अचानक आगे आई थी और हादी को अपने साथ ही वहां से कमरे में लेकर गए। जबकि वो रो रहा था, हिचुके साथ रोए जा रहा था। हादी साई बस कर जे, वो हादी के आंसू साफ कर रहे थे, जबकि वह नफी में साहिल लड़ा था। मम्मी मम्मी, वह हिचकियां ले लेकर रो रहा था और बानी ने बेबसी से उसको देखा था। जब अचानक हिचकियां लेते लेते हादी की सांस बंद होने लगी थी, वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था, हल्ला से उसकी अजीब सी आवाजें निकल रही थी। मारवी बीबी, मारवी बीबी, बानी घबरा कर उसको बुलाने लगे, जबकि हादी को बाजू में लिए वो रो रहे थे। हादी साई, हादी साई, मारवी भागती हुई आई थी और हादी को उसके हाथ में देखकर उसके हाथ पांव फूल गए थे। हादी, हादी मेरी जान, मम्मी, वह हिकलाया था। उसे गोद में उठाकर मारवी बाइक की तरफ भागी थी। पानी भी उसका बैग और कीस लेकर उसके पीछे भागे थे। बागम बाग वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे थे। हादी को ऑक्सीजन दिया गया था तो उसकी हालत बेहतर होने लगी। एक सेकंड के लिए भी वह मारवी से दूर होने को तैयार नहीं था, उसकी गोद में चिपका वो बैठा हुआ था। घबराने की कोई बात नहीं है, बस ज्यादा घबराने की वजह से हुआ है, केयर कीजिए बस हमारे प्रिंस चार्मी की, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा था। जबकि हादी हमेशा बैठा हुआ था, उसने कोई भी एहतजाज भी नहीं किया। डॉक्टर और भी तो कुछ नहीं हुआ है ना, अगर है तो प्लीज बता दे, मारवी अभी भी घबराई हुई सी थी। अरे नहीं मिस मारवी, ही इज फाइन, बस तैयार रखिए, डॉक्टर ने मुस्कुराकर उसे तसली दी थी। तो वो सर इस बात में हिलाने लगे। थैंक यू डॉक्टर, चलते हैं हम, वो बानी का इशारा करते अपनी जगह से खड़ी हो चुकी थी। तो बानी ने भी उसका बैग और पैकेट हाथ में उठाए। टेक केयर, बाय सुपरमैन, डॉक्टर आजम ने मुस्कुराकर हादी से कहा था। तो वो हल्का सा मुस्कुराया था, जबकि मारवी से अल्लाह हाफिज कहकर बाहर निकल गई थी। आज आदी को यूं देखकर वो काफी खौफजदा हो गई थी। तभी बाबा उसका माथा चूमे थे और उससे यही प्रॉमिस कर थी कि आंदा ऐसा कोई भी रवैया नहीं रखेगी वो हादी से, चाहे जितना भी उसका मूड ऑफ हो। वो सो चुका था, सड़क ने धीरे से उसकी पेशानी पर अपने लप रखे थे। उस पर कंफर्टर ठीक करता वह कमरे से बाहर आया था, जहां पर बानी सोफे पर बैठी मुंतजिर थी। उसे बानी ने ही कॉल करके बुलाया था हादी की तबीयत का बताकर। वो जब से यहाँ पर आया था, हादी ने एक पल के लिए भी उससे अलग नहीं हुआ था, जबकि मारवी तब से कमरे में बांध थी। बानी प्लीज हादी के पास जाइए, उसने नरमी से बानी को मुखातब किया था। तो वह स्पा में सहलाती हुई अपनी जगह से उठकर हादी के कमरे में गए थे। सारंग ने गहरा सांस लेकर मारवी के कमरे की तरफ देखा था। वो वापस अपने घर जाने का सोच रहा था, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो मारवी के कमरे की तरफ बढ़ गया था। वो दरवाजा खोलकर अंदर डाल हुआ था, इधर उधर टहलते हुए मारवी के कदम रुके थे। सारंग दरवाजा बंद करके उसके करीब आया था, उसके चेहरे पर गुस्सा था। क्या किया है तुमने हादी के साथ, उसे सख्त लहजे में पूछा, जबकि मारवी के तेवी चढ़ गए। तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले, तुम्हारा शोर और हादी का फादर, सरांग ने एक कदम आगे बढ़ाकर दांत पीसते हुए कहा था, और मैं उसकी मम्मा हूँ। यू आर नो वन के मुंह से पूछो कि मैंने क्या किया हादी के साथ, वो मेरा बेटा है, मारवी ने गुस्से से कहा था।
अपनी जिद में ना जाने फिर से क्या करना चाह रही हो तुम मारवी, सारांग ने तासुब से कहा था, तुमसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मारवी ने गुस्से से जवाब दिया। मारवी, उसने आंखें बंद करके खुद को रिलैक्स किया था, फिर आंखें खोल कर उसको देखने लगा। देखो मारवी, मोहब्बत करता हूँ तुमसे, जानती हो ना, फिर भी ये सब कर रही हो, वह नरमी से कहता हुआ उसके कंधे पर हाथ रखा था और मारवी ने एक नज़र उसके हाथ पर डाला था और फिर उसके चेहरे पर। मुझे मालूम है कि ये सब क्यों कह रही हो, वो अपनी शर्ट के बटन खोल लगे, तुम्हें यही चाहिए ना आज फिर से, मारवी उसकी आंखों में जानती हुई कह रही थी और साथ ही शर्ट के बटन भी खोल दिया था। सारांग की आंखों में हैरत और अफसोस था। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ मारवी, तुम क्या समझती हो मुझे, मारवी ने उसका हाथ थामा था और उसका हाथ अपने सीने पर रखा था। मैं सामने तुम हूँ तुम्हारे, यही तो चाहती हो, सारांग ने झटके से अपना हाथ छुआया था। शट अप मारवी, शेम ऑन यू, कहकर उसके कमरे से बाहर निकल गया था और ऐसे ही लंबे डग भरता फ्लैट से भी निकल गया था। उसे ये उम्मीद ना थी मारवी से कि वो ऐसा सोचेगी। उसे गाड़ी में बैठकर उसने गुस्से से हाथ स्टीयरिंग पर मारा था। कैसे सोच सकती हो मारवी तुम मेरे बारे में ऐसा, कैसे, इतना गंदा हूं मैं, उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी शिद्दत जब से। वो किस कदर मारवी को चाहता था और मारवी ने छोटी सी बात को बहाना बनाकर उसे भी उससे बेगाना कर दिया था। सलार साई, वहां के लोगों की हालत काबिले रहम है, डीएसपी सुहेल तनवीर उसके सामने बैठा बता रहा था। रेप तो बहुत ही आम है इधर, सांवर दसाई ने जुल्म की इंतहा कर दिया उन पर, सलार ने स्पा में सह लिया था। वो इंसान के रूप में शैतान है दादी साई, और अपने दादा को मौत के घाट उतार चुका है। वह मेरी जान लेने की कोशिश की है, कुछ ऐसा बनाओ कि वह ऐसा फंसे कि निकल ना सके। सलार के चेहरे पर सर ताशरा थे। ऐसा ही होगा सलार साई, उसके जुल्म की इंतहा हो चुकी है, अब कानून हाथ में लिए फिर रहा है वो, अब बहुत जल्द उसे उसके किए की सजा मिलेगी। ऐसा फंसाऊंगा कि जितना हाथ पैर चलाए इतना ही फंसता जाए, डीएसपी सुहेल तनवीर की आंखों में यकीन था, एक अजम था। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, मेरी तरफ से किसी भी मदद की जरूरत हो मैं हाजिर हूँ, सलार ने मुस्कुराते हुए कहा था। अरे आप तो हमारे साई हैं, सबूत तो हाथ लग रहे हैं, आपके इलाके से भी बहुत सुने रिपोर्ट में अपनी गवाही दी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द अमल दरामद होगा और सावल देसाई पकड़ा जाएगा, अजायब नेक है हमारे, अल्लाह जरूर मदद करेगा, सुहेल तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा था। उस लाभी पुरअजम था, उसके इलाके के लोगों को उस शैतान से निजात दिलाना उसकी अवलियत में शामिल था और फिर अपने खानदान की बर्बादी का बदला भी उसने लेना था। वह परेशान से सोफे पर बैठी थी जब बिलास दो चाय के मांग लिए उसके पास बैठ गया। वो बुखला कर इधर उधर देखने लगी। चाय, बिलास ने जेला मुस्कुराते हुए कहा था जबकि वो मांग लेकर इधर उधर देखने लगी। कब आएंगे सारंग साई और हादी साई, वो परेशानी से पूछ रही थी। आ जाएंगे यार, परेशान क्यों हो रही है अब, बिलास ने इत्मीनान से कहा था। कैसे ना हूं परेशान, अगर मारवी बीबी को पता चला तो मार डालेगी मुझे, वो वाकई घबराई हुई थी। आपकी ये मारवी बीबी तो इतनी डेंजरस क्यों हो गई है आजकल, वो रात रात की तरह झूठा बोला था। बानी ने परेशानी के हाथ में भी उसे बोला था, मारवी बीबी से मैं बेहद प्यार करती हूँ, उसके खिलाफ कुछ मत बोलिए। बलाज जिला मुस्कुराता हुआ सोफे की पूछ से टेक लगाकर बैठ गया। मैं भी तो बेहद प्यार करता हूँ, मेरा भी कुछ सोच लीजिए, बानी ने हैरत से देखा था। आप कितने कितने वो हैं, बानी उसकी नजर के हसार से घबरा थी। कोई बात नहीं, तो मैं भी कर दूंगा वो मुस्कुराता हुआ क्या था, उसकी हालत गैर करने पर तुला हुआ था। देखिए मैं चली जाऊंगी, बानी बता मानते हुए बानी बुरा मनाते हुए नजर चुरा कर बोल दिए। बानी के पलकों के जाल उठाकर उसको देखा और घबरा कर फिर से झुका दिए थे। कॉल करे ना सारंग साई को, वह मनमनाए थे। क्या मसला है आपको बानी, जब से आई है सारंग साई सारंग साई, इस बलाज साई की भी सुनने कुछ दे। बलाज जन चलाया था और बानी ने उसे एक नजर देखा और फिर हंसी आ गई थी उसे। बलाज ने गुड़कोस को देखा। वर आप हंस रही है मेरी हालत पर, वह नाराज नाराज सा लग रहा था। बानी को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ, उसने मुस्कुराकर नफी में सह लाया। तो बातें कीजिए ना अपनी और मेरी, बलाज उसकी तरह जूता हुआ कह रहा था जब अचानक बानी के मोबाइल पर मारवी की कॉल आने लगे। उसने होजदा नजर से मोबाइल को और फिर बलाज को देखा था। डर तो ऐसे रही है जैसे मारवी बाबी ना हो कोई भूत हो, बलाज ने तेवी चाह कहा था। अब मैं क्या कहूंगी उन्हें, वो रोहारसी हो गए थे। कॉल तो रिसीव कर ले बानी पहले, बलाज ने उसे मतवजो किया था तो उसने डरते डरते कॉल रिसीव किए थे। हेलो मारवी बीबी, आवाज भी साफ नहीं दे रही। हाँ बानी, रात के लिए नूडल्स बना लेना, हादी को बहुत पसंद है, मैं थोड़ा लेट आऊंगी, पार्टी है एक, मारवी मसरूफ से अंदाज में उसको हदायत दे रही थी। जी ठीक है मारवी बीबी, उसे सूखा सांस लेते हुए कहा था। हादी ठीक है, कहाँ है, क्या कर रहा है, एक साथ कई सवाल थे मारवी के।
बानी तो गड़बड़ा सी गई थी, टॉयलेट है, जल्दी से यही बहाना मिला था, चलो टेक केयर। वो कार डिस्कनेक्ट हो चुके थे। बानी ने सूखा सांस लेते हुए मोबाइल से पर रखा था। चेहरे पर 12 क्यों बज रही है, बिलाल उसे गौर से देखते हुए पूछने लगा था। मैं अच्छा नहीं कर रही मारवी बीबी के साथ, उनसे दूर बोलकर वो शर्मिंदा सी थी। हाँ तो तुम्हारी मारवी बीबी कौन सा अच्छा कर रही है मेरे दोस्त के साथ, बिलाल चाय के घूंट लेते हुए बोला, जबकि बानी परेशान से उसको देखने लगी। कर दीजिए ना काल सारंग साई को, उसकी सुई अभी तक वहीं पड़की हुई थी। बिलाल ने सर तासों से हिला था। करता हूँ काल, मोबाइल उठाकर वो कार्ड मिलाने लगा, लेकिन कार्ड रिसीव नहीं हो रही। नहीं रिसीव कर रहा, उसने मोबाइल साइड पर रखते हुए कहा था। हाय अल्लाह, बानी ने अपने दिल पर हाथ रखा था। चोरी हो गई हादी साई, अब मैं क्या जवाब दूंगी मारवी बीबी को, वो बाकायदा रोने के प्लान बनाने लगी थी। व्हाट, बिलाल ने हैरत से उसे देखा। फादर है वो हादी का, एक बाप अपने बेटे को किडनैप करेगा, आप भी अजीब हैं। उसकी बापा बानी शर्मिंदा सी हो गई थी। हाँ वो तो बाबा साई है हादी के, वो सोच में डूब गए थे। अब बहते पर तफकरात का जाल था, जबकि बिलाल अब उसे नजर बढ़कर देख रहा था। उसकी बेवकूफी बड़ी बातों पर बेसाता ही उसके लब मुस्कुराए थे। साई साई एक बड़ी खबर लेकर आया हूँ आपके लिए, नादरहान भागता हुआ वहां पर आया था, जबकि सांवल धूप में बैठा हुआ उंगुरा था। अपनी सुरह हुई आंखों से वो नादरहान को देखने लगा। हाँ बोल, क्या बड़ी खबर लेकर आया है तू, वो मुंह बिगाड़ कर बोला कि उसके उंगने में हलर डाल चुका था वो। साई आपका दुश्मन सिलार राम शाह बहुत उछल रहा है, सामने नागवार से को देखा। वो मरा नहीं, मैं तो समझा था कुछ दिन मुंह टेढ़ा रहने के बाद वो मर खप जाएगा, उसने फाले ज्यादा होने की एक्टिंग करते हुए कहा था। ना साई, वो बच तो गया है पर अब तो हरकतें भी उसकी बड़ी बड़ी हो गई हैं, नादरहान ने अब जरा झुककर राजदार से बताया था। क्या हरकत कर दी इस कमीने ने, सावल के सब भी नींद सवार थे, तभी बेजार से कह रहा था। साई डीएसपी सुहेल तनवी को उसने हवेली से निकलते हुए देखा गया है। नादरहान अपनी आंखें बड़ी करता हुआ अपने तय कोई बड़ी खबर सुना रहा था। सावल ने चौंक उसको देखा था। तो ये खबरें इस डीएसपी तक इस सलार ने पहुंचाई है, वो तकरीबन घुराया था, जलील इंसान बच गया, लगता है फिर से फालच होने का दिल कर रहा है उसका, उसने दांत पीसते हुए कहा था, जबकि नादरहान के चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट फैल सी गई थी। साई अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, दीवार की उस पार की गर्मा गर्म लड़कियां भी तो उफ, ये बात कहते हुए जैसे उसके मुंह में पानी आ रहा था, जबकि सामने से गुड़े से नवाजा तो वो मुंह बदमजा करके सर झुका गया था। अपने इलाके की फिक्र कर, तू डीएसपी के जेर नजर आ चुके हम, पहले उनसे तो बच कर निकले हम, सामने से शर्म दिलाते हुए कहा था। माफ कर दे साई, बस लड़कियों का चस्का, नादन हाथ लचाते हुए लपाते हुए कहता, जबकि सामने से साई घुरा था। चुप कर, जाकर मेरे लिए अमरूद तोड़ कर ला, जो हुक्म साई, कहकर वहां से बाहर चला गया था। जबकि सामने से साई ने लब बीच लिए थे, चेपर सब तासे तुबे थे। सलार राम शाह, तेरी ऊंची नाक को फिर से झुकाना पड़ेगा, मीर सामर देसाई के कामों में टांग उड़ाने की सजा क्या होती है बताता हूँ तुझे हराम होर। काल पे बानी की घबराई हुई सी आवाज सुनकर मारवी भागती हुई मार्केट तक आई थी, तो वहां पर सारंग पहले से मौजूद था। वो तिल मिलाती हुई सारंग तक गई थी और उसे जोर से दिखा दिया था। मेरा बेटा कहाँ है, वो घुराई थी। जहमी बानी अपने माथे से निकलते हुए हूं को बोलकर सारंग और मारवी को देखने गए। किधर छुपा कर रखा है मेरे बेटे को, मारवी चिल्ला रही थी, जबकि सरंग हैरत से उसको देख रहा था। मारवी होश में तो हो, हादी हमारा बेटा है, मैं कैसे, हमारा नहीं सिर्फ मेरा, हादी सिर्फ मेरा बेटा है, कहाँ है मेरा बेटा, उसकी बात काट कर वो चिल्लाई थी। मारवी बीबी, बानी आगे आई थी। शट अप बानी, तुम चुप रह, बानी पर चीख कर वो अब सरंग को देख रहे थे। हादी से तुम्हें अलग कर दिया तो उसे किडनैप करोगे, मैं माँ हूँ उसकी, मेरे हाथ ये नहीं कर सकते, मेरे साथ ये नहीं कर सकते तुम। सारंग उसके गुस्से से सुर पड़ते हुए चेहरे को देख रहा था। मारवी मिल जाएगा हादी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इस वक्त मारवी के हाल को देखते हुए उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। मारवी भीगी आंखों से उसको देख रही थी, फिर उसकी छड़ मुट्ठी में बीच रहे थे। देखो सारंग, मेरा बेटा कहाँ है बता दो प्लीज, मैं नहीं लड़ूंगी अब तुमसे, प्लीज मेरा हादी मुझे दे दो प्लीज। सारंग ने उसके बाजू में बढ़कर लिया था और छिटते जब से उसकी भीगी हुई आंखें शुरू हो रही थी। जब बानी ने कालपा बताया कि कुछ लोग आए, उसे जख्मी करके हादी को कार में डालकर लेकर गए, तब से पल पल उसे अपनी सांस मदम होती महसूस होती और अब मारवी की हालत देख कर वो मजीद बिखरे थे। हादी को कौन लेकर गया, किसकी दुश्मनी हो सकती है हादी से या मारवी से या उसे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। सड़क मेरा बेटा, मेरा हादी दे दो मुझे, उसे डर लगता है अंधेरे से, वो रो रहा होगा मेरे लिए। हादी हादी,
वह रोते रोते वहीं जमीन पर बैठ चली गई थी। अपना माथा पीटते हुए फरियाद कर दी और सरंग वहीं बैठकर उसे ऐसा करने से रोका था। मारवी होश करो, कुछ नहीं होगा, देखो हादी मिल जाएगा। जबकि वह नफी में सहलाती सारंग के चेहरे को दोनों हाथों के प्याले में भरकर रोते हुए फरियाद कर दी, सारंग प्लीज हादी को ढूंढ दो प्लीज। सारंग ने उसके माथे पर लप रखे थे, उसकी आंखों में देता हुआ यकीन से कहने लगा, मैं ढूंढ लूंगा हादी को। जबकि मारवी रोती रही, उठो प्लीज, उसे उठाने लगा। जबकि सारंग नफी में हिला रही, हिम्मत नहीं उठने की, हादी को ढूंढ दो प्लीज सारंग, वो रो रही थी। और सारंग लांबी ची अपनी जगह से खड़ा हो चुका था, ब्लास्ट भी पहुंच चुका था, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बहुत जल्दी मिल जाएगा हादी। ब्लास्ट के पापा उसने इस बार में सह लिया था। ब्लास्ट की नजर पानी के माथे पर, जहां पापा तुम बाबी को घर लेकर जाओ, मैं बानी को हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। ब्लास्ट के कहने पर सरांग ने इस बाब में सह लिया था और ब्लास्ट आगे बढ़कर बानी को थाम कर अपने साथ ही घर में लेकर जाने लगा। जबकि सरांग मारवी की तरफ मतवजा, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा बेटा ला दो प्लीज, मैं यहीं पर बैठी हूँ, जाओ हादी को लेकर आओ। वह नींद पागल सी ओर थी, उठो मारवी, मिल जाएगा हादी, उठो प्लीज। सरांग ने झुक उसको उठाया था, जबकि मारवी रोते हुए उसके साथ ही घर तक गए थे। हादी का कौन लेकर गया था, क्या दुश्मनी थी, कुछ खबर ना थी किसी को।